हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वसीम, मैं खोली जाके आती है। अभी काय को? काय को मतलब जाके देख के आती है ना, पलक ने सलीम को दूध पिलाया कि नहीं। जल्दी वापस आ, कॉन्ट्रैक्टर को पता लगा तो फालतू में पैसा काटेगा। नहीं नहीं, मैं जाके आती हूँ। पलक, सलीम को दूध पिलाए? नहीं अम्मी, वो लड़की नालायक, एक काम नहीं होता इससे ठीक से। सलीम, सलीम कहाँ है? पलक, 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 सलीम कहाँ है? अरे वही तो बोल रही थी अम्मी, सलीम को साजिया खाला ले गई। पलक, सलीम बाबू अंदर है ना? हाँ, जब उठेगा उसे बोतल दूंगी, अम्मी ने बोला। मैं इसको लेके जाती हूँ, मस्त मालिश करूंगी, फिर दूध पिला के वापस लाऊंगी। ठीक है हाला। अरे मैं सलीम साजा खाला के घर ही होगा, वो बोली वापस लेकर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान चाचा, ये शाजिया कहाँ गई? शाजिया को तो मैंने नहीं देखा। वो आई थी ना मेरे सलीम को लेके खोली पे, आपने देखा नहीं? शाजिया को तो नहीं देखा, लेकिन आधा घंटे पहले मुश्ताक को देखा है। ताला लगा कर निकल गया था, सामान वामान बांध लिया था, लगता है खोली खाली कर दिया उसने। हाँ हाँ, शाजिया यहीं से गुजरी थी कुछ आधे घंटे। अरे शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंजू पापा। अंजू पापा, आपने पूछा नहीं शाजिया से कि सलीम को लेके कहाँ जा रही है? अरे ऐसे कैसे पूछती, ये कोई पहली बार थोड़ी ना था जो तेरा सलीम उसके हाथ में था, और मेरी जहन में तो ऐसा कुछ आया भी नहीं। लेकिन हुआ क्या? खाला को देखा? मुझे कैसे पता आज वो नहीं ले आएगी वापस? अरे वक्त खेलती रहती है बेवकूफ,
अरे वसीम भाई, मच्छी पर क्यों बरस रहे हो? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो आपके सलीम को अपने घर ले जाती थी। वसीम, वसीम लोचा है, ये मुश्ताक और शाजिया खोली खाली करके निकले, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ गया मेरा सलीम? वसीम भाई, आशुतोष भाई, हम लोग को ना पुलिस में जाना चाहिए। मुझे ये शाजिया और मुश्ताक पर कभी भरोसा नहीं, उनके असर कभी ठीक नहीं लगे। अब देखो चुरा ले गई बच्चे को। वसीम चल, मेरा वीजा। अरे चल रोना बंद कर, चल मेरे साथ। पलक तू बिल्कुल क्या उसे कर जा। शाजिया और मुश्ताक ने सलीम को चुराने के इरादे से ही वसीम और नफीसा से दोस्ती की थी? क्या ये दोनों किसी ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा थे, या फिर सलीम को चुराने के पीछे कुछ और ही मकसद था? सलीम कभी मिला ही नहीं, हजारों गुमशुदा बच्चों की तरह सलीम सिद्दीकी की फाइल भी धूल चाटती रही पूरे 8 साल तक। और फिर मॉर्निंग सर। वाकई मॉर्निंग गुड है शेखर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, पूरा गैंग अंदर कर दिया है। राशिद को 2 गोलियां लगी हैं सर। बचेगा? यस सर, आउट ऑफ डेंजर है। सुनो एक नया केस है, तुम्हारी यूनिट को मैंने पहले ही फाइल भेज दी है। आई वांट नाउ द गुड मॉर्निंग शेखर। श्योर सर। अरे उसके बाप को भी लाने दो, इस बार मुश्किल में फंसने वाला सर। आओ श्रुति, क्या बात है, अच्छा दिमाग लगाया। एक गोली पैर पे, एक गोली हाथ पे। हां गुड शो। थैंक यू सर। एक नए केस के पेपर्स आए डीसीपी ऑफिस। दमदार है। सैड स्टोरी है सर। कोई लव स्टोरी है क्या? नहीं सर, 2010 में एक 2 महीने का बच्चा गायब हुआ था कुरला से। 2010 में, 8 साल पहले, 2 महीने का बच्चा, और अब तक लापता है? यस सर। नहीं, मुझे लगता है डीसीपी सर ने गलत फाइल भेज दी। आपके नाम की फाइल है सर, डीसीपी सर के सिग्नेचर्स भी हैं इस पे। तो हम एक 8 साल का बच्चा ढूंढे जो गायब होते वक्त 2 महीने। राइट सर। 2 महीने का बच्चा 8 साल पहले गायब हुआ, उसको अब ढूंढना है? यस सर। डीसीपी सर ने गलत फाइल भेजी है। मैं ऐसी गलती करूंगा क्या? कम ऑन शेखर। सर मेरे टेबल पे 3 मर्डर केस है, 2 तगड़ी टिप्स है, किसी लोकल डिपार्टमेंट को दे दीजिए ना। मेरे टेबल पे 37 केसेस है, सब पिछले 10 साल के, सभी केसेस चाइल्ड मिसिंग, किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के हैं। एक नई टीम बना दीजिए। 8 टीम बना के ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ फील्ड में, तुम्हारी 9वीं होगी। अरे सर आप मेरी बात नहीं। कमिश्नर पे चाइल्ड केयर कमेटी का जबरदस्त प्रेशर है। सर इसमें नया क्या है? नया ये है, कोर्ट से कड़े शब्दों में ऑर्डर आया है, उन्हें क्लोजर चाहिए और हमें क्लोजर देना है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक केस दिया है, इस सलीम सिद्दीकी का। सर सिर्फ 2 महीने का बच्चा था, 8 साल पहले अगवा हुआ था, कहां से मिले? शिखर लग जा केस में, क्यों हम का इतनी बातें कर रहा है? जस्ट ट्रैक इट। सर ओके, क्या केस है? चुप। सर विक्टिम सलीम के पेरेंट्स नफीसा और वसीम, उनकी पड़ोसन शाजिया इस केस में प्राइम सस्पेक्ट। विक्टिम सलीम की मदर नफीसा सिद्दीकी और फादर वसीम सिद्दीकी, ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर थे। उनकी एक बड़ी बेटी भी थी 6 साल की, फलक। शाजिया को बच्चा ले जाते वक्त बच्ची फलक ने देखा था, तो उसे सस्पेक्ट नहीं डायरेक्ट एक्यूज ही समझ सकते, ये शाजिया और उसका आदमी मुश्ताक। जान पहचान के एक्यूज थे, सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम क्या कर रही थी, कंचे खेल रही थी। सार के मार्ग पुलिस स्टेशन गिरीश महात्रे का केस था ये। अभी मतलब चलिए हमारे साथ, आपको सबके कभी जाके सर कहां-कहां खेल होता। एक मिनट, एक मिनट, कोई एक बोलो तो समझ में आए कि हुआ क्या है। सब सब ये वसीम है और ये नफी समा है बच्चे की। साहब इनका बेटा सलीम चोरी हुआ है। कहां से चोरी हुआ? साहब घर से। सब एक शाजिया है और उसके साथ मुश्ताक है, दोनों ही हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। उठा लेगा बच्चे को। साहब उनका इनके साथ रोज का उठना बैठना था। फाइन, मैं और नफीसा दोनों साइट पे काम कर रहे हैं। हमारी एक 6 साल की बेटी है फलक, वो सलीम का घर पे ध्यान रख रही थी, ये शाजिया और बच्चे को उठा के ले गई।
बोली उसको मालिश करके दूध पिला के वापस छोड़ देगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है साहब, और मुश्ताक शाजिया दोनों गायब हैं। मालिश वाली थी? नहीं नहीं साहब, वो दोनों भी दिहाड़ी मजदूर है, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। मैं साइट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ आशुतोष माने। उनके घर जाके देखा? हाँ साहब देखा हमने, घर पे देखा, खोली में देखा, पूरे मोहल्ले में देखा, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है साहब, और आसपास के लोगों का कहना है वो खोली छोड़ के चले गए। ठीक है, ये साजिया और मुश्ताक का फोटो दे दो, और ये बच्चे सलीम का भी फोटो दे दो। केस फाइल में बच्चे की फोटो नहीं है सर। 2 महीने का बच्चा था तो शायद बच्चे का फोटो होगा नहीं, और होता भी तो हमारे किसी काम का नहीं है, बच्चा इस समय 8 साल का हो गया। लेकिन आरोपी शाजिया और मुश्ताक का भी नहीं है। ये लो सर, बच्चे के माँ बाप का भी नहीं। तो फिर है क्या, शुरू कहाँ से करेंगे? सर इस केस फाइल में 2 नंबर है, उनमें से 1 नंबर बच्चे के फादर वसीम सिद्दीकी का था, और अब ये नंबर किसी और का है। वसीम सिद्दीकी जी? नहीं, रॉन्ग नंबर लगाया आपने। मैम आपका नाम क्या है? ये मुंबई पुलिस है। वो मैं देवेंद्र तावड़े बात कर रहा हूँ। क्या बात है मैडम? 4 साल से ये नंबर इस देवेंद्र तावड़े का पोस्टपेड नंबर है। आरोपियों के फोन नंबर? मुश्ताक या शाजिया का नंबर? सर शाजिया का कोई नंबर लिस्टेड नहीं था। हाँ उसके पार्टनर मुश्ताक का एक नंबर था, लेकिन फिलहाल वो नंबर डिस्कनेक्टेड है, और अब वो सीरीज के सारे नंबर डिस्कंटिन्यू हो गए हैं। We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. कोई और डिटेल, कोई और नाम? एक नाम है सर, आशुतोष माने, कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्टर। मैं साइट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ आशुतोष माने, पर उसका कोई नंबर नहीं, और अब तक तो वो बिल्डिंग बन भी चुकी होगी। सर हमारे पास इस बच्चे के माँ बाप और इस कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ नाम है और स्टेटमेंट है, और कुछ नहीं है। बच्चे का नाम सलीम था, लेकिन किडनैपिंग के बाद डेफिनेटली बदल दिया गया उसे। 8 साल पहले इन्वेस्टिगेटिंग टीम अंधी गली में जाकर रुकी, और अब उस अंधी गली में DCP सर हमें दाखिल हुए। ऊपर से डे टू डे रिपोर्ट भी मांगा, कोर्ट का ऑर्डर। नहीं नहीं, हम ये सरदर्द नहीं पालने वाले। ऐसा करो, 2 कॉन्स्टेबल लगा दो इस केस पर, उनसे कहो कि रोज के रोज डायरी एंट्री करें क्या क्या किया, और एंट्री DCP सर के ऑफिस फैक्स करें। 8 साल हो गए, अब कहाँ से मिलेगा बच्चा? 2 महीने का बच्चा था, गारंटी ले लो 1 हफ्ते के अंदर सारा जोश ठंडा हो जाएगा। हम अपने रनाडे मर्डर केस भी फोकस करते हैं। गायकवाड़ और हरी, इन दोनों को लगा दो काम। जी सर। सर इस रानाडे मर्डर केस में घनशू खबरी की एक टिप आई है। टिप की? ये घनशू फेंकता बहुत है। अबू को चाय दे। पटवर्धन याद है तुम लोग? राहुल वो बच्चा राहुल जो कल्याण से किडनैप हुआ था। राइट। हाँ सर, पिछले साल का ही तो केस था, किडनैपर ने फायरिंग की थी, अपना कांस्टेबल चंदन इंजर्ड हो गया था, और फिर जो हमने कूटा था किडनैपर्स को। लेकिन सर वो बच्चा अचानक आपको क्यों याद आया? आज सुबह सुबह अचानक उसका फादर आया था। पहचाना सर? सर मैं विनोद पटवर्धन, पिछले साल आपने मेरे बेटे राहुल को किडनैपर से छुड़वाया था। ओ हाँ, यस यस यस, काफ़ी टाइम हो गया तो पहचान नहीं पाया। बोलिए क्या बात? सर आज उसका हैप्पी बर्थडे है सर। उस हादसे के बाद यह उसका पहला जन्मदिन है सर। आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी, और हम माँ बाप को भी। चलो देखते हैं कैसे शुरू होती है सलीम सिद्दीकी की खोज। अगर सलीम जिंदा है तो इस वक्त 8 साल का होगा। एक और नाम है सर,
आशुतोष माने, साइट कॉन्ट्रैक्टर। और दो नंबर हैं सर, मुश्ताक शेख 444019761 और वसीम सिद्दीकी 444821041। और ये दोनों नंबर 8 साल पुराने। सर ये घास के बोरे में सुई नहीं, सुई की आंख ढूंढने जैसा है। तभी तो डीसीपी सर ने केस दिया है। केस बनता ही नहीं है सर। तो बनाते हैं ना, बनाते हैं। तुम सबसे पहले आशुतोष माने को ट्रेस करो। इसके जरिए हमें सलीम के माँ बाप वसीम सिद्दीकी, नफीसा सिद्दीकी और दोनों आरोपी शाजिया मुश्ताक, इनकी बैकग्राउंड की लिस्ट मिलेगी। श्रुति, इंस्पेक्टर मात्रे ने मुश्ताक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे? निकलवाए तो थे सर, पर केस कहीं पहुंचा नहीं होगा। सर मुझे यहाँ एक डिटेल मिली है, किडनैपिंग के 5 महीने पहले शाजिया और मुश्ताक ने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू की। तभी दोनों परिवारों की दोस्ती हुई। नफीसा उस वक्त कोई 6 महीने की प्रेगनेंट रही। शाजिया और मुश्ताक दिहाड़ी मजदूर थे, नफीसा और वसीम के काफ़ी नज़दीक भी थे। नफीसा के स्टेटमेंट के हिसाब से प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों में उसे शाजिया से काफ़ी मदद भी मिली थी। जब नफीसा की तबीयत डाउन रहती तब शाजिया नफीसा की बेटी फलक की देखभाल भी करती। डिलीवरी के वक्त भी शाजिया और मुश्ताक वसीम सिद्दीकी परिवार के साथ थे। सलीम के जन्म के बाद से उसकी चोरी के दिन तक शाजिया लगभग हर रोज़ सलीम के साथ वक्त बिताती, उसे मालिश देती, उसके साथ खेलती। ना नफीसा का कभी कोई शक हुआ और ना वसीम को कि शाजिया और मुश्ताक का इरादा उनके बच्चे को चुराने का था। चलो इतना तो क्लियर है कि शाजिया ने नफीसा की प्रेग्नेंट हालत देखकर उससे दोस्ती की और उसके बाद सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ होगा। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इससे पहले भी इस जोड़े ने बच्चे चुराए होंगे। फिकर सो उन दोनों की अपनी कोई औलाद मेंशन नहीं है फायर में, ना ही क्लोजिंग में। राइट, ये एक एंगल भी हो सकता है। आनंद, तुम कॉन्ट्रैक्टर के जरिए दोनों जोड़ों तक पहुंचने की कोशिश करो। श्रुति, तुम मुश्ताक के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से मंगवाओ और अच्छे से स्कैन करो। मैं इंस्पेक्टर मात्रे से मिलता हूँ। तीर हवा में चला था या अंधेरे में, पर कहीं जाकर किस्मत के निशाने पर जा लगा था। किस्मत ने यह तय कर लिया था कि सलीम की अनकही कहानी अब बेसुबा नहीं रहेगी। अगवा होने के 8 साल बाद एक नई पुलिस टीम एक पुरानी कहानी को रोशनी में लाना चाहती, और यह कहानी सिर्फ बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी। आशुतोष माने नाम है कॉन्ट्रैक्टर का, और जो बच्चा है उसके माँ बाप हैं नफीसा सिद्दीकी और वसीम सिद्दीकी, और एक बहन है पलक सिद्दीकी। और किसी की फोटो नहीं है साहब? होता तो देता नहीं गोविंद साहब। अरे साहब, मतलब कुछ तो होना चाहिए हाथ में। पूरे मुंबई में 250-300 कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे होंगे। चलने दो, 2010 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पर अब है। हम भी तीर चला रहे हैं। गोविंद और उस्मान, तुम लोग भी काम पे लग जाओ। जी जी साहब, आपकी बात बराबर है मैडम, लेकिन पहली बात तो ये कि 8 साल पुराना डेटा कोई कंपनी नहीं रखती है, और मैम दूसरी बात ये कि उस समय मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करता था। आशीष, अगर तुम्हें तुम्हारे किसी दोस्त या गर्लफ्रेंड को 8 साल बाद ढूंढना होता और मैं तुम्हारी जगह बैठ के तुम्हें इस तरह से स्टैंडर्ड जवाब दे रही होती तो तुम्हें कैसा लगता? मैम आप पर्सनल हो रहे हो। एक माँ बाप से उनसे 2 महीने का बच्चा छीन लिया गया, इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता भला? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैडम, लेकिन हमारी भी कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं। ह्यूमैनिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं होती आशीष, अपनी ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा स्ट्रेच करो। मैं तुमसे कोई ज्यादा नंबर नहीं मांग रही। मुश्ताक शेख नाम का एक बंदा है जो एक नंबर से रेगुलरली बात करता था, 444-002830, फिलहाल ये नंबर बंद आ रहा है। वो तो बंद हो गई मैडम, वो पूरी सीरीज डिसकंटिन्यू हो गई है। आशीष, कोर्ट के ऑर्डर से इस बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए तुम्हारे ऑफिस ऑर्डर की कॉपी भेज देती हूँ, और तुम्हारे इस वंडरफुल कोऑपरेशन के लिए एक अलग से नोट भी भेजती हूँ। मैम आप धमकी दे रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस भी धमक पड़ूंगी, जरूरत पड़ी तो टेंट लगाकर ड्रामा भी करूंगी। लेकिन मैम आप मेरे 2 महीने का बच्चा आशीष, तुम एक बार नंबर ढूंढने की कोशिश तो करो। तुम्हारी शादी हुई है, बच्चे हैं? मैम प्लीज, मैं ट्राई करूंगा लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी हौसला अफजाई के लिए। यू नो शेखर, ये नंबर हमें मुश्ताक के कॉल रिकॉर्ड से मिला था, हमने कई बार कॉल्स भी किए थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। शायद जानबूझकर नहीं उठा रहा था। मात्रे, तुमने इस नंबर की लोकेशन ट्रेस की थी, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे? नहीं यार, मैं उन दिनों काफी उलझा हुआ था, दो और भी केसेस थे, और ये जो साजिया और मुश्ताक है इन दोनों ने बच्चे को टारगेट किया, और ऊपर से ये बस्ती वाले, किसी को भी नहीं पता था कि ये कहाँ के थे, कहाँ से आए थे। अब ऐसे में हम क्या करते? अरे बात बात में कभी तो निकला होगा साजिया और मुश्ताक के मुंह से, किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम। देखो पूरे मुंबई हम खोदे जा रहे हैं सलीम के लिए, जिसकी एक तस्वीर भी तुम हमें ना दे सके। बस साहिब, एक बार उसने यही बोला था मुश्ताक ने कि वो यूपी में कहीं से है। नफीसा, दिमाग पे जोर दो। शाजिया ने कभी तो किसी रिश्तेदार की बात की होगी, कभी नाम लिया होगा किसी शहर का, किसी मोहल्ले का।
साहब, मुझे तो ये शाजिया और मुश्ताक के आसार कभी सही नहीं लगे। तो फिर आगाह क्यों नहीं किया इन दोनों को? कैसे करती साहब, ये दोनों उन दोनों से इतना ज्यादा घुले मिले थे, ऐसे में मैं बीच में क्या बोलती? अरे सर, दिहाड़ी मजदूरों की तस्वीर और एड्रेस कौन सा कॉन्ट्रैक्टर रखता है सर? तुम्हारे यहाँ काम करते थे ना, कोई कागज पत्री नहीं की? कहाँ कागज पत्री होती है मजदूरों की, उन्होंने पूछा तो मैंने पास की चौल में एक खोली दिला दी। मुझे क्या पता था ये सब होगा, माथे पे तो नहीं लिखा था ना उनके हम बच्चा चोर है। हर स्टेशन के हर बस्ती खंगाली है, पूरे शहर के भिखारी माफिया को लाइन अप किया था, ये सोचकर कि ये साजिया और मुश्ताक कहीं इन बेगिंग माफिया के एजेंट्स तो नहीं थे। उत्तर प्रदेश एक टीम भेज सकते थे, लेकिन क्या करते थे? तीन ही नाम थे अपने पास, मुश्ताक, साजिया और सलीम, और इन तीनों में से किसी एक का फोटो भी नहीं था अपने पास। अगर ये जोड़ा बच्चा चुराने के इरादे से आया था तो उत्तर प्रदेश वाली बात भी गोली हो सकती थी। सब कुछ तो बताइए, कुछ तो पता चला होगा। वसीम, नफीसा, देखो जो मुझसे हो सकता था मैंने किया, आगे भी करूंगा, लेकिन उनको ढूंढने के लिए कुछ तो चाहिए, ये बात समझने की कोशिश तो करो। सब कुछ तो पता लगा होगा ना लोग के बारे में। कुछ पता चलने के लिए हाथ में कुछ होना चाहिए नफीसा। भाई बहुत दुआएं मांगी थी, बहुत मन्नतें मांगी थी, तब जाके सलीम हुआ था। देखो मैं बस इतना ही कहूंगा कि दुआएं जारी रखो, हमारी कोशिशें भी जारी रहेंगी। ये जोड़ा नफीसा और वसीम कुछ महीनों तक रोज थाने के चक्कर काटे, और हर बार यही दुआ और कोशिश वाली बात होती। एक पॉइंट के बाद शेखर, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उन्हें देने के लिए। शेखर, तुम अगर मेरी जगह पे होते तो तुम भी यही करते। पता नहीं, पर अब तुम्हारा केस मेरी टेबल पे। पता है, और कोर्ट का वजन भी है इस केस पर। मतलब तुम मुझे कोई ऐसी टिप दे सकते हो जो तुम्हें 8 साल पहले ना सूझी हो, लेकिन अब अचानक से चमक गई हो? एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि ये मामला बली वली का हो सकता है। ख्याल में आने की कोई खास वजह? कोई सुराग? हमें ये पता चला था कि साजिया मुश्ताक से उम्र में बड़ी थी, और वो शादीशुदा जोड़ा भी नहीं था। हो सकता है वो साजिया और मुश्ताक ही नहीं थे, किसी तांत्रिक या झाड़फूकी बाबा के लिए बच्चा चुराते थे। बाबाओं को उठाया था? किलो के हिसाब से, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और बुरा ना मानूं तो एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि अब भी कुछ मिलेगा। 8 साल बाद हम खुद को नहीं पहचान पाते यार। देखते हैं, पर कोई निष्कर्ष तो नहीं होगा इस केस को। इस केस में नाउम्मीदी थी, पर फिर भी नई टीम इस केस को क्लोजर देने पर तुली थी। बस एक लीड थी, वो फोन नंबर जिससे मुश्ताक की काफी बात हुई थी। नई इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये लीड एक तिनके के सहारे जैसी थी। पुलिस इस लीड को पकड़े रही क्योंकि यही एक जरिया था जो मुश्ताक और शाजिया तक उन्हें ले जा सकता था। दूसरी ओर खबरी नेटवर्क पूरी ताकत लगा रहा था कॉन्ट्रैक्टर आशुतोष माने तक पहुंचने के लिए, ताकि उसके जरिए वो सलीम के अभागे माता पिता वसीम और नफीसा सिद्दीकी तक पहुंच पाए। अब 2018 में सबसे बड़ा खबरी था सोशल मीडिया, जिसका पुलिस ने चरम सीमा तक उपयोग किया उसे एक सुराग, उसे एक लीड के लिए जिससे इस केस का खाता खुल पाता। कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर इरादा बन गया हो तो रास्ता भी बन ही जाता है, और इस केस में यह कहावत सच साबित हुई। पूरे एक महीने लगातार कोशिशों के बाद नई टीम ने अपनी पहली सफलता चखी, हालांकि वो बहुत ही अजीब तरीके से थी। हेलो सर, आप आनंद सर हैं? हाँ, और तुम? वो मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ था कि आप आशुतोष माने को ढूंढ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। हाँ हाँ, तुम जानते हो उसे? सर मैं ही आशुतोष माने हूँ, पर अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर छोड़ दिया, मेरा अपना खुद का छोटा सा सिविल का बिजनेस है। तुम 8 साल पहले एसके कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहे थे, जब वहाँ से एक 2 महीने का बच्चा सलीम किडनैप हुआ था। हाँ हाँ, नफीसा और वसीम का बच्चा, आज भी सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं सर। कुछ पता चला उस बच्चे का? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आशुतोष, मुझे सबसे पहले वसीम और नफीसा से मिलना है, इसमें तुम्हारी मदद है। वो तो यही गोरेगांव के कैरीबाड़ी में रह रहे हैं। सबको जो पता था शाजिया और मुश्ताक के बारे में, सबने पुलिस को बता दिया था। शाजिया और मुश्ताक 5 महीने से काम कर रहे थे उस साइट पर, किसी के पास उनकी कोई लीड नहीं थी? नहीं थी सर, किसी को पता नहीं था कि वो दोनों बच्चा चोरी कर रहे थे। आशुतोष भाई, आप यहाँ अचानक? वसीम ये क्राइम ब्रांच के अफसर हैं, हमारे सलीम को दोबारा से खोज रहे हैं।
सलीम मिला क्या? नहीं वसीम, पर हम सलीम को ढूंढेंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ था और क्यों। वसीम, उस वक्त तुमने पुलिस को बताया था कि मुश्ताक ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था, कुछ और बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में? मतलब वो किस गांव का है, शहर का है, कस्बे का है, ऐसा कुछ जिक्र किया था उसने? याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। भाई मुझे तो बस अपने बच्चे का चेहरा याद है, जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उसका चेहरा उतना ही साफ होता जाता है, ये जैसे जाता ही नहीं। हमने फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश, नफीसा 3 बार पेट से थी और 3 बार बच्चा पेट में नहीं ठहरा, जैसे हमारी किस्मत में ही लिखा कि हमारा दूसरा बच्चा नहीं है, सलीम नहीं होगा हमारी। तुम नफीसा हो? वसीम क्या हो रहा है? नफीसा, ये पुलिस है, सलीम की खोज दोबारा से शुरू हुई। नफीसा, इन 8 सालों में शाजिया और मुश्ताक के बारे में तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो उस वक्त तुमने पुलिस को ना बताया? सब, हमें नहीं ढूंढना है सलीम को, आप लोग जाइए यहाँ से। नफीसा, मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों ने जो तरस सहा। नहीं साहब, आप नहीं समझ सकते और मैं चाहती भी नहीं कि आप समझे। मेहरबानी करो, जाओ यहाँ से। केस में जो करना है आप करो, मेरे को सलीम को ढूंढना ही नहीं। अब ये केस हमारे पास है और हम इस केस की तह तक जरूर पहुंचेंगे। मैंने बोला ना साहब, इस केस की खातिर आपको जो करना है करो, लेकिन हमें मत तंग करो। साहिब, बहुत मुश्किलों के बाद भुला पाई है सलीम को। अरे ऐसा बताने की क्या जरूरत है इन लोगों को? साहब मैंने बोला ना, चले जाइए आप लोग यहाँ से। अरे आंसू सूख चुके हैं हमारे, नहीं जानना है कि सलीम कहाँ है और कैसा है। हमें ना हमारे हाल पे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। साहब दिल पत्थर हो गया दोनों का, वो बच्चे को कभी भुला ही नहीं पाए। सर, आप अम्मी की बात का बुरा मत मानिए। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ। वो नींद में भी रोती है, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। सलीम मेरे कारण खोया था, अब पक्का उसे ढूंढ लेंगे ना? हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने सलीम को याद करके उसकी ड्राइंग भी बनाई थी, तब वो कैसा दिखता था, अभी भी है मेरे पास। बेटा तब वो 2 महीने का था, अब 8 साल का हो चुका है, अब तो वैसे नहीं दिख रहा होगा। पर कहीं तो होगा ना, साजिया खाला कितना हंस खेलती थी उसके साथ और सलीम को भी उनकी मालिश बहुत पसंद आती थी, फिर उन्होंने ऐसे सलीम को क्यों चुराया? सर मुझे हमेशा से लगता था कि सलीम कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा और अब देखिए, अब तो आप इतने साल बाद आ गए, आप पता लगाएंगे ना? हाँ बेटा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सलीम का पता लगाने की, ढूंढ लेंगे उसे। आपने बच्ची से वादा कर दिया? हाँ कर दिया, और अब इस कमिटमेंट को रखेंगे हम, जो करना पड़े करेंगे। इस केस और उस फैमिली को क्लोजर तो देना ही होगा। आशीष यादव, श्रुति सिंह क्राइम ब्रांच। हेलो मैम, उस नंबर की डिटेल्स मिली? 444-002830। मैम ये नंबर तो शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, पिछले 1 महीने में फोन कर करके आपने बाय हार्ट करवा दिया ये नंबर। डिटेल्स आशीष। हाँ, हमारे बैक एंड ऑफिस के 4 लोग पिछले 1 हफ्ते से सोए नहीं है मैडम। गुड़गांव ऑफिस का जो बैकअप सर्वर है ना मैडम, वो किसी मोहन जदारो से कम नहीं है, उसमें कूद कर ढूंढ कर निकाला है हमने। ये देखिए, 8 साल पहले ये नंबर 444-002830 एक आकाश मोकल नाम का आदमी यूज कर रहा है। बोकारो के पास कोई विगतपुरी नाम का गांव है, वहां का एड्रेस है। हमारा सफर यहीं तक और ये बिल्कुल भी सुखद नहीं था। अब प्लीज़ और कोई डिटेल्स मत मांगिएगा मैम। अरे थैंक यू,
जून 2010 से लेकर सितंबर 2010 के बीच में आरोपी मुश्ताक लगभग हर हफ्ते बात कर रहा था इस आकाश मोकिल के साथ। शायद यही चूक हुई है मात्रे से, वो आकाश तक पहुंचा ही। सर, क्या हमें झारखंड पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए? हमारे पास बंदा है, एड्रेस है, कांटेक्ट क्यों करेंगे, सीधे जाएंगे। बस ये आकाश मोकिल मिल जाए। मिलेगा, पक्का मिलेगा। अनंत, जाने की तैयारी करो हम दोनों। कहाँ जाना है भाई? विगतपुर। क्यों? विगतपुर में किस घर जाएंगे? आकाश मुकल को जानते हो? आकाश मुकल? हाँ, आकाश मुकल 12/4 नेताजी चौक। ये आकाश मुकल की 8 साल पुरानी फोटो है। अरे ये तो अपना कबाड़ी वाला आकाश है। आकाश मुकल। हाँ जी, बोलिए। ये मुश्ताक शेख कहाँ है सर? और शाजिया नकवी? मैं किसी मुश्ताक या शाजिया को नहीं जानता सर। जनवरी 2010 में तेरी लगातार मुश्ताक के साथ बात होती रही है। 2010 में मुश्ताक और उसके साथ काम करने शाजिया ने 1-2 महीने का बच्चा चुराया था। और अब 8 साल के बाद हम उसकी तलाश में निकले तो तू हाथ लगाए। अब तेरे जरिए हमें मुश्ताक और शाजिया तक पहुँचना है। चल बस। मैं शाजिया को नहीं जानता सर, लेकिन मुश्ताक को जानता हूँ। कहाँ है वो इस वक्त? मुझे नहीं पता सर। वो तो उन दिनों मुश्ताक के बाप बिलाल के यहाँ गैराज था, तो उनसे बात करने के लिए मुझे फ़ोन करता था हर हफ्ते। अब बिलाल का गैराज कहाँ है? वो तो 7 साल पहले उन्होंने अपना गैराज घर में खोल लिया था साहब, नूनबरी में। नूनबरी कहाँ है? साहब, मुझे बीवी बच्चों की कसम, साहब मुझे किसी चोरी वोरी और शाजिया वजह कर रहे नहीं पता साहब। थोड़ी देर पहले तो तू बोला था कि कौन मुश्ताक, जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, और अगर वहां से हिला ना तो इस दुनिया से हिला दूंगा। चल जा। जी बिलाल शेख। जी फरमाइए। तुम्हारा बेटा है मुश्ताक शेख? जी। क्या बात है, आप कौन? हम मुंबई पुलिस से हैं। मुश्ताक कहाँ है सर? साहब वो कहाँ है इस वक्त? जी अंदर घर में है। बार बुलाओ। बात क्या है? बुलाइए। ये बच्चा कौन है? मेरा पोता है इमरान, मुश्ताक का लड़का। क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? मुश्ताक शेख। हाँ मैं ही मुश्ताक हूँ, बात क्या है? वसीम सिद्दीकी, नफीसा सिद्दीकी। याद आया कुछ? मैं नहीं जानता हूँ, कौन है? ये शाजिया नकवी? नहीं, मैं रुबीना शेख हूँ। मेरी बीवी है, बात क्या है? और ये तेरा बेटा है? हाँ ये मेरा बेटा है इमरान। अरे सब क्या कर रहे हैं? तो वसीम और नफीसा का बेटा सलीम कहाँ है मुश्ताक? अरे मुझे अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं मालिक? किसका बेटा, कौन सलीम? शाजिया और सलीम कहाँ है मुश्ताक? अरे कौन शाजिया और सलीम, ये लोग क्या पूछ रहे हैं? अरे यही लोग जाने में नहीं जानते किसी शाजिया और सलीम को। अच्छा, अनंत फोटो ला इसकी। क्या कर रहे हैं? शाजिया नकवी के साथ मिलकर तुम्हारे इस मुश्ताक ने मुंबई के कुर्ला इलाके से नफीसा और वसीम के 2 महीने के बेटे को 8 साल पहले चुराया। नहीं, मैंने किसी का बच्चा बच्चे नहीं चुराया, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे मालिक, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मुश्ताक और रुबीना की शादी हुई है, अल्लाह के रहमो करम से इनके यहाँ बच्चा हुआ है इमरान, वो किसी का बच्चा क्यों चुराएंगे? हाँ साहब, आप किसी और मुश्ताक को ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, 8 साल से छुपा हुआ था ये।
और वहां मुंबई में सलीम के माँ बाप खुट रहे हैं, किश्तों में जी रहे हैं 8 साल से। इसकी तस्वीर वसीम और नफीसा को दिखाई जाएगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखते हैं सिर्फ इसको तोड़ना या तुम सबको भी। मैडम जी मैं वसीम सिद्दीकी। वसीम बैठो। ये मुश्ताक शेख है। हाँ मैडम यही मुश्ताक शेख है, इसने मेरे सलीम को चुराया था। मेरा सलीम है क्या इसके पास? कहाँ है मेरा सलीम? मैं मुश्ताक की बीवी हूँ। 2014 में हमारी शादी हुई थी, ये शादियाँ कहाँ से बीच में आ गई? कौन है ये? अपनी बहू के सवाल का जवाब नहीं दोगे? तुम तो मुश्ताक को 2014 से नहीं जानते ना, तुम्हें तो पता होगा कौन है शाजिया। अरे मालिक ना मैं शाजिया को जानता हूँ ना मुश्ताक जानता है। मुश्ताक अगर तू सच नहीं बताएगा ना तो तेरी हालत इससे भी बदतर होगी, इस बात की गांठ बांध ले। साहब मैं नहीं जानता हूँ किसी शाजिया सलीम को, मेरा कोई वास्ता नहीं है। बहुत जल्द तेरा, तेरे अबू बिलाल, तेरी माँ अफसाना और तेरी बीबी रुबीना और तेरे बेटे इमरान के साथ भी वास्ता नहीं रहेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मैं नहीं जानता हूँ किसी सलीम और शाजिया को। नफीसा, नफीसा पुलिस को मुश्ताक मिल गया। और हमारा सलीम वो मिला? पुलिस मुश्ताक से पूछ रही है, वो कह रही है कि शाजिया सलीम वहाँ पर नहीं है लेकिन वो उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे मालूम था हमारा सलीम जरूर मिलेगा, पुलिस अंकल बोले थे वो ढूंढेंगे मेरे भाई। नफीसा हमारा सलीम मिलेगा? नफीसा मिलेगा? हाँ लाल मियां, ना तो हम तुम्हारे बुजुर्ग होने का लिहाज करेंगे और भी ना ही हमारी लेडी पुलिस तुम्हारे औरत होने को। हाल खींच खींच के सच बुलवाएंगे। अरे क्या सच, कैसा सच? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। अब मेरे शौहर, सास और ससुर को कुछ मालूम हो तो यही जाने। ये सब क्या है अब्बू? कौन है ये शाजी और सलीम और क्यों चुराया है मुश्ताक ने किसी और के बच्चे को? मैं खुद नहीं जानता। मैकेनिक हो ना तुम, मोटर की प्रॉब्लम देख के समझ जाते हो क्या खराबी है? ऐसे ही हम इंसानों के मैकेनिक चेहरा देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। पर बिलाल मियां एक एक पुर्जा हम बखूबी खोलना जानते हैं, आजमाओ मत बहुत पछताओगे। शाजिया और सलीम की जानकारी लिए बिना हम यहां से जाने वाले नहीं है। तुम लोगों के पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर कुछ बोले नहीं ना तुम लोग तो हम सीधे इमरान को सलीम बनाकर मुंबई ले जाएंगे, वहां वसीम और नफीसा को सौंप देंगे। जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे तुम लोग। आप ऐसा नहीं कर सकते, इमरान मेरा बच्चा है। तुम्हारे शोहर ने एक बच्चे को अलग किया था, 2 महीने के बच्चे को, उसकी माँ नफीसा से, बाप वसीम से और 6 साल बड़ी अपनी बहन फलक से। अगर उनके दर्द को समझ सकती हो तो बोलो अपने शोहर को, जो भी सच है बता दे, यही बेहतर रहेगा तुम सबके लिए भी। मुश्ताक शेख एक बहुत गहरा राज छुपा कर बैठा था अपने अंदर। सर हमने पूरा नून बरेल खोज लिया है और आसपास के गांव में हमने कुछ खबरें भी लगा दी फुल टाइम। रिजल्ट सर इस मुश्ताक का इतिहास मिल गया है। ये नून बरेल से 14 किलोमीटर दूर रामपुर गांव है। ये 2010 से लेकर 2014 की शुरुआत तक ये वहीं रहता था अकेला। नहीं सर, उसके साथ एक औरत थी जिसका नाम शाजिया था और एक बच्चा सोहेल। सोहेल इधर आ। सोहेल क्या अल्लाह नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने मेरे। सोहेल इधर आ, बस चला तू पकड़। और ये देख अब्बू तो तेरे लिए एकदम हीरो जैसी टी शर्ट लाए हैं, सुंदर है ना? जब मेरा सोहेल ये पहनेगा ना पता कैसा लगेगा, बेटा एकदम हीरो लगेगा, हीरो। मैंने तो बोला ही था इसका नाम सोहेल मत रखो, सलमान रखो सलमान। ओए शाबाश, देख लग रहा है ना एकदम सलमान खान। इसका नाम तो सोहेल ही होना था, मेरा सोहेल।
सर, लेकिन खबरी कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से ना तो किसी ने शाजिया को देखा है और ना ही सोहेल को देखा है। शाजिया और मुश्ताक ने सलीम का नाम बदलकर सोहेल रख दिया। सर, ये मुश्ताक मुझे थोड़ा टेढ़ा लगता है। इसके अभी के पति रूबीना को शाजिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। और सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके अबू अम्मी को इसके बारे में पता ही ना हो। सर, कहीं इस मुश्ताक ने शाजिया और सोहेल को कुछ कर तो नहीं दिया? मुझे अभी के अभी बताओ सच क्या है, वरना मैं फोन करती हूँ अपने भाई को। वो मुझे और इमरान को यहाँ से लेके जाएगा, फिर आप लोगों की खैर नहीं है। ऐसे मुश्किल घड़ी में ऐसी बात ना कर रूबीना। मुश्किल घड़ी क्यों है? कौन है ये शाजी और सलीम? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे और मेरे खानदान से? मुश्ताक, तेरे किए की सजा हम बूढ़े माँ बाप और तेरी बीवी और मासूम बच्चा क्यों भुगते? बोल देना सच क्या है। वो मेरी भूल थी अब्बू। तो फिर अपनी गलती कबूल कर और अपनी सजा खुद भुगत। बोल दे मुश्ताक, आखिरी मौका है तेरे पास, नहीं तो इसके बाद तू अपने बेटे इमरान का चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू रहेगा ही नहीं चेहरा देखने के लिए। खाली हाथ नहीं लौटने वाले हम यहां से। लास्ट चांस दे रहा हूं तुझे। शाजिया और सलीम के साथ क्या किया तूने? शाजिया ने उसका नाम सोहेल रखा था। सोहेल? शाजिया और सोहेल कहां है इस वक्त? एक रात को दोनों। झूठ मत बोल मुश्ताक, खेल मत खेल हमारे साथ, नहीं तो इसकी सारी गोलियां डाल दूंगा तेरे अंदर। उन्हें उन्हें मार डाला मुश्ताक। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो फिर इस वक्त हैं कहां दोनों? सलीम, फिर से सलीम को देखा? मिलना मुझे सलीम से, नहीं मिलना मुझे से। फिर वही बात, हमेशा वही बात होगी। मेरा सलीम जहाँ भी है, जैसा भी है, शाजिया के साथ है, चाहे जिसके साथ है, लेकिन वो बस वो सही सलामत रहे। मैं ये नहीं सुन सकती वसीम कि मेरा सलीम नहीं रहा। सलीम जिसे मुश्ताक और शाजिया ने सोहेल का नाम दिया था, क्या वो कभी मिलने वाला था? क्या वो जिंदा भी था? 4 साल तक तो उस बच्चे ने जिंदगी देखी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या मुश्ताक सच बोल रहा था कि शाजिया उसे लेकर भाग गई थी? या पुलिस का अनुमान सच था कि मुश्ताक ने दोनों का कत्ल कर दिया था? और ये सब क्यों हुआ था? 8 साल लगे थे इस केस को दोबारा खुलने में, पर क्या ये उम्मीदों के दरवाजे बंद करने जा रहा था? सलीम उर्फ सोहेल की किस्मत में क्या लिखा था? उसे ढूंढ निकालने का वादा करने वाले इंस्पेक्टर शेखर की किस्मत में क्या लिखा था? इस केस का अंत चौंकाने वाला है, होश उड़ाने वाला है, जो हम आपके सामने पेश करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।